हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंटिफिक टेक्निकल ट्रिक में। तो यार, बचपन से हम लोगों ने देखा है कि हम गुब्बारे में गैस भरते हैं, हाइड्रोजन गैस, और जिसकी वजह से ये ऊपर उड़ता है। ठीक है, तो यार आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम ना इसमें गैस भरेंगे और ना कुछ, और यार ये ऊपर भी उड़ेगा। ठीक है, तो यार ये काफी मजेदार है, वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको पूरा इसका बताऊंगा कि इसको बनाना कैसे है और इसको उड़ाना कैसे है। ठीक है, तो यार ये वीडियो काफी मजेदार है, आप पूरा देखिए। यार चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, इस बैलून को बनाने के लिए आपको सिंपल चाहिए एक पेपर। ठीक है, पूरा कंप्लीट पेपर। ठीक है, डबल पेज। तो उसके बाद आपको करना क्या है, ये इस तरह से है, इसको आपने कर लेना है क्रश। ठीक है, और उसके बाद यार इसको कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं। तो अभी इसको क्या करना है, अभी नेक्स्ट है, इसके ये जो चारों कोने हैं इनको आपस में मिला देना है। ठीक है, तो इसको हम मिला देंगे और इसको आप बहुत केयरफुली करें, क्योंकि अगर आप इसको जरा सा भी इसमें कहीं पे छेद होगा तो आपका ये बैलून नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो यार इसको बहुत केयरफुली करना है आपको, और आप अपना पेपर भी पहले चेक कर लें कि कहीं उसमें छेद तो नहीं है। तो यार ये कुछ इस तरह से हो जाएगा जब आप इसके चारों कोने आपस में मिला देंगे। ठीक है, ये यहां पे आपके चारों पॉइंट जो ये मीट हुए हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट को आप किसी भी चीज से जोड़ लीजिए, चाहे आप इसको टेप से जोड़िए या स्टेपलर से जोड़िए या फिर धागे से जोड़िए, किसी भी चीज से। ठीक है, ये जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। मैं इसको यहां पर कुछ ऐसे ही जोड़ लेता हूं, इसको ऐसे गोल घुमा के। तो यार ये जुड़ चुका है, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जब ये बन जाएगा तब ये कुछ ऐसा दिखेगा, इसका ये वाला हिस्सा, इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो यार ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके बाद जो लास्ट स्टेप जो आपका होगा, वो आपको ये करना है कि इसके चारों कोनों में आग लगानी है। ठीक है, तो जब आप इसके चारों कोनों में, पर आग लगानी है आपको एक साथ, क्योंकि जब आप इसको एक साथ आग लगाएंगे ये तभी उड़ेगा, ये सब इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो यार चलो यार इसको आग लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, देखा आपने, छोटी सी सिंपल सी मॉडिफिकेशन की वजह से हमारा हॉट एयर बैलून कितना बढ़िया उड़ रहा था। तो यार अभी आता हूं मैं इसके पीछे की साइंस के ऊपर। तो यार सिंपल सी साइंस है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, और जिसकी वजह से ये हमारा बैलून उड़ रहा था। पर यार इसके पीछे हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि मैंने आपको ना बताया हो, सिंपल सी ट्रिक थी, मैंने आपको सब बताया कैसे मैंने किया और कैसे मैंने परफॉर्म किया। ठीक है, तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और यार कंजूसी मत करो सब्सक्राइब करने में। ठीक है, तो यार ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।